हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिक YouTube पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले रोड सेफ्टी सीरीज को लेकर। ये दोस्तों, रोड सेफ्टी सीरीज की बात करें तो इसका जो पहला सीजन था वो इंडिया में खेला जा रहा था। टोटल 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें वेस्ट इंडीज लीजेंड, इंडिया लीजेंड, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया लीजेंड, श्रीलंका लीजेंड और साउथ अफ्रीकन लीजेंड। ये 5 टीमें टोटल खेल रही थी, जिसमें सचिन, सहवाग, इसके अलावा जहीर खान जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे। वेस्ट इंडीज की बात करें तो ब्रायन लेरा जैसे खिलाड़ी भी खेल रहे थे। तो काफी ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी लीग में खेल रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से सिर्फ 4 मुकाबले ही हो पाए। उसके बाद में ये पोस्टपोन हो गई। 4 मुकाबलों की बात करें तो भी इंडिया जो 2 पहले मुकाबले खेले उसमें 2 जीते हैं। इंडिया की बात करें तो सहवाग ने पहले मुकाबले में 50 लगाई। इसके अलावा दूसरे मुकाबले की बात करें तो इरफान पठान ने शानदार बल्लेबाजी से प्रदर्शन किया। तो ऐसे में अब बात करें तो जो रोड सेफ्टी सीरीज हो रही थी उसको अभी रिज्यूम किया जाएगा। जी दोस्तों, फिर से शुरू होने वाली है वो सीरीज, वहीं से शुरू होगी। अब पॉइंट टेबल भी वही रहने वाली है। इसके अलावा बात करें तो वहीं से मैसेज शुरू होने वाले हैं, जो रिमेनिंग मैसेज है वो अब होने वाले हैं। तो इसकी जो डेट है वो 2 मार्च। जी दोस्तों, 2 मार्च से ये अब सीरीज फिर से शुरू होगी और ये रायपुर में होने वाली है। जी दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ये पूरी सीरीज अब खेली जाने वाली है। तो सचिन, सहवाग जैसे खिलाड़ियों को फिर से ग्राउंड पे देखने वाले फैंस के लिए ये बड़ी अपडेट है। तो ऐसे में बात करें तो जो दूसरी टीमें हैं, जैसे वेस्ट इंडीज लीजेंड, ऑस्ट्रेलियन लीजेंड, वहां के खिलाड़ी है वो भी यहाँ पे आने वाले। तो ऐसे में ये काफी बढ़िया बात है क्रिकेट फैंस के लिए कि फिर से रोड सेफ्टी सीरीज शुरू होने वाली है। तो यही अपडेट थी इस वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।